पिछले शुक्रवार को गुरु पूर्णिमा मनाए ना जी। बहुत अच्छा, और जितना बन पड़ा हम कह पाए गुरु जी के बारे में, और समय समय पर फिर चर्चा होती रहेगी। बहुत सारे सवाल है लोगों के मन में, और सवाल रहे अच्छी बात है ना। हम लोग कथा सुन चुके हैं कि सती जो है जल गई। अच्छा, सबसे बड़ी बात इस कथा में आप देखेंगे कि सती का कितनी बार अपमान हुआ। आई तो बहनों ने बात नहीं किया, ठीक है, फिर उसके बाद केवल माता जी थोड़ा ठीक से बोली, और जब बाप के पास गई तो बाप ने तो मुंह फेर लिया,
और तो क्रोध में एकदम जलने लगे कि ये कहाँ से आ गई। और बहने आई तो बहनों ने कहा कि अरे हाँ, तुमको तो पहले आना चाहिए था, क्योंकि तुम तो सबसे बड़ी हो भाई। 84 बेटियां थी दक्ष को, तो 84 में सबसे बड़े जो है दक्ष सती थी। का तुम तो देरी कर दी, तुम तो देरी से आई, तुम बड़ी हो, तुम्हें पहले आना चाहिए था। और बेचारी क्या बोले कि न्योते नहीं मिला तो कैसे आए। तब एक ने कहा कि अच्छा किया चली आई, बिना न्योता के ही चली आई, अच्छा किया। लेकिन वो आया है तुम्हारा पति, वो जो नंगा नंगा घूमता है, सब अपमाने हैं ना, सब अपमाने हैं। सादर मिली भली एक माता, और भगिनी मिली बहुत मुस्काता, बहुत हंसते हंसते सब आए और खूब मजाक उड़ाया सती का। सती कुछ नहीं बोली, कहा छोड़ो, क्षमा कर दिया बहनों को। सोचा अच्छा पिताजी के पास चलते हैं, शायद पिताजी जो है सुनेंगे। जब पिताजी के पास गए तो पिताजी ने क्या किया, बस मुंह घुमा लिया। दक्ष न कछ पूछी कुछ लाता, और सती ही बिलो की जरे सब गाता। पूरे शरीर में उनकी आग लग गई, ये कहां से आ गई। फिर भी सती ने कुछ नहीं कहा, बहनों ने अपमान किया, समाज ने अपमान किया और पिता ने अपमान किया, सती कुछ नहीं बोली। तो सोचा अच्छा यज्ञ मंडप में जाए, और जब यज्ञ मंडप में गई तो क्या देखती है कि वहां शंकर भगवान का भाग ही नहीं लगा है। तो सती के मन में आया कि हम अपना अपमान सह सकते हैं, लेकिन भगवान का अपमान नहीं सहना चाहिए। हमारा कोई अपमान कर दे बर्दाश्त करने लग चाहिए, लेकिन भगवान का अगर कोई अपमान करे तो नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। कहा तब, कहा शास्त्र ये कहते हैं, संत शंभु श्रीपति अपवादा। संत का अपमान जहां हो, शंकर भगवान का जहां अपमान हो और विष्णु भगवान का अपमान हो, क्या करना चाहिए। पिछले दिन कहा कि जोर लगे तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए। अब कहेंगे तो बड़ी कठिन बात है जीभ काट लेना, भाई आप मेरा अपमान कर सकते हो, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मेरे भगवान ने क्या किया है कि तुम उनका अपमान करोगे। अच्छा, जीभ काटने का मतलब है कि अगर कोई उल्टा बोलता हो ना भगवान के बारे में, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मुंह तोड़ का जवाब मतलब क्या है, मुंह तोड़ के जवाब नहीं देना है, उसका पूरी तरह से उत्तर देना है कि खबरदार मेरे भगवान ऐसे नहीं है। अच्छा, अगर न जवाब दे पाए तो कान में अंगूरी डाल लेना चाहिए और वहां से चले जाना चाहिए। मतलब भगवान की निंदा एकदम नहीं सुननी है, और भगवान की ही नहीं किसी की निंदा नहीं सुननी। पर निंदा सम अघन गरीसा, दूसरी की निंदा के बराबर कोई पाप सुनने कहने करने से बड़ा पाप कुछ नहीं है। अच्छा, आप बहुत अच्छी बात आप कह सकते हैं ना कि पंडित जी जब व्यास गद्दी पर बैठते हैं तो रावण की तो निंदा होती है ना, हो गई ना रावण की निंदा। गद्दी पर बैठने के बाद निंदा नहीं होती, वो कथा है राम जी की। और रावण कैसे रावण बना, रावण पिछले जन्म में जय विजय था, तो जब संत गए दर्शन करने भगवान का, तो कहा कि नहीं 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 भगवान सो रहे, भगवान का दर्शन ही करने दिया। तो तीन बार डंडे से बेत की छड़ी से संतों को मार के गिरा दिया नीचे, तीन बार संत गए। तो संतों ने आशीर्वाद ही कही, कहा आशीर्वाद दिया, कहा जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ तीन जन्म। अच्छा, जब राक्षस होने का वो दे दिया संतों ने, तो जय विजय क्या किए, जय विजय खुशी से नाचने लगे। भगवान ने पूछा तुम्हें श्राप मिला तो तुम नाचते क्यों हो, भाई कोई श्राप दे तो हम आप गुस्साएंगे ना, लेकिन जय विजय क्या किए, खुशी से नाचने लगे। तो भगवान ने पूछा कि तुम क्यों इतना खुश हो, कहा महाराज आज तक तो मैंने देखा कि सभी भगत आपके पीछे भागते हैं, अब हम राक्षस बनेंगे मतलब चोर बनेंगे,
और हम चोरी करेंगे, गलती करेंगे और भागेंगे, और आप मुझे मारने के लिए हम लोगों के पीछे दौड़ेंगे। तो अब देखा जाएगा कि आप जो है हमारे पीछे दौड़ रहे हैं, इस खुशी में हम नाच रहे हैं। तो ही जय विजय रावण और कुंभकर्ण बने। तो रावण अपनी इच्छा से राक्षसी वृत्ति वाला हुआ, तो उसकी कथा कहना निंदा नहीं, तो निंदा नहीं सुननी चाहिए। तो सती ने कहा, इन्होंने तो शंकर भगवान का निंदा तो छोड़ दिए, अपमान किया है, अपमान किया है। तो कहा कि अच्छा, किसी ने कहा कि सती एक काम करो, तो उनको अपना बाप मत मानो। कहा बाप तो नहीं मान, ठीक है मैं कह सकती हूँ अब आज से आप मेरे बाप नहीं है, लेकिन ये शरीर भी तो बाप की दी हुई है, तो एक काम करते हैं, शरीर को ही खत्म कर देते हैं। सारे रिश्ते शरीर से ही है, होते हैं ना, आत्मा का तो कोई रिश्ता होता नहीं। तो शरीर बाप की दी हुई है, तो शरीर को ही खत्म कर देते हैं। क्या किया, तुरंत योग अग्नि में अपने शरीर को जला दिया। अब जला दिया, शंकर भगवान ने सुना, शंकर भगवान ने क्या किया, अपना एक बाल उखाड़ा और पटक दिया जब पत्थर पर, तो उससे वीरभद्र पैदा हुए। वीरभद्र गए सबको खूब पिटाई के। जो लोग शंकर भगवान का अपमान हो रहा था, भृगु मुनि थे, तो वो उनको कहा, वीरभद्र ने कहा भगवान का अपमान हो रहा था, तो ये सब श्रीमद् भागवत में है, तो आप दाढ़ी हिला हिला के कह रहे थे, ठीक है ठीक है, तो उनकी दाढ़ी नोच लिया। पूसा नाम के एक देवता थे, वो दांत दिखा दिखा के हंस रहे थे जब भगवान का अपमान हो रहा था, उनको मारा वीरभद्र, उनका सब दांत टूट गया। दक्ष जिसने अपमान किया, दक्ष को पटक के उनका सिर काट लिया, और सिर काट करके हवन कुंड में डाल दिया। मैं आपको कहा था इसके आगे कथा में दक्षेश्वर धाम की कथा सुनाऊंगा ना। इतनी बड़ी लड़ाई हुई शिव पुराण में लिखा गया सती खंड में, कि उनकी 84 बेटियां और 84 दामाद, 83 कहीं, सब दिशाओं में भाग गए, सारी दुनिया में भाग भाग के छिप गए भारत से। कहाँ जाके छिपे, कोई पानी के नीचे छिपा, कोई पहाड़ पर छिपा, कोई गुफा में छिपा, कोई जंगल में छिपा। तो उनकी दो बेटियां का नाम था कृतिका और यामिनी। कृतिका और यामिनी के बारे में आता है कि वो पानी के नीचे जाके छिपी। पानी के नीचे कौन सा देश है दुनिया में, कोई पानी के नीचे देश कहाँ है, पोलैंड, ये पानी के नीचे छिपी। तो दक्ष ने क्या किया, ब्रह्मा जी शंकर भगवान की प्रार्थना की, ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन के शंकर भगवान प्रसन्न हुए, और शंकर भगवान जब प्रसन्न हुए तो कहा क्या चाहिए ब्रह्मा जी, कहे मेरे बेटे का सिर वीरभद्र ने काट दिया है, पुत्र का, दक्ष का, उसके ऊपर कृपा करिए। तो कहा ठीक है, तो उनको कृपा करने कहा क्या करना है, कहा आपका बेटा बड़ा अहंकारी है, अहंकारी आदमी क्या करता है, मैं यही करता है ना, और बकरी क्या करती है, मैं। कहा ठीक, ये मैं करते हैं, इनका सिर जितना कटा था अब एक बकरी का सिर लगा देते हैं। तो बकरी, एक बकरी का सिर लगा दिए दक्ष को। तो दक्ष चले वहां से अपनी पुत्रियों को खोजने, खोजे सबको खोजे, लेकिन यामिनी और कृतिका को नहीं पाए। यामिनी कृतिका पानी के नीचे छिपी थी, उनको खोजा, उनको खोजा, तो यामिनी और कृतिका ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं अब नहीं जाऊंगी वहां आपके यहाँ। कहा क्यों, कहा शंकर भगवान के भूत प्रेत फिर आएंगे, वीरभद्र आएंगे फिर मारेंगे, पहले शंकर भगवान का आशीर्वाद लीजिए। तो राजा दक्ष ने शंकर भगवान की तपस्या की यहाँ बैठ करके। अब लोग कहते जो दक्ष शब्द है वो वर्ड ये इंग्लिश से आया है, और हम कहते हमारे शास्त्र कहते हैं दक्ष शब्द आया है राजा दक्ष से, दक्ष से टूटते टूटते डच बन गया,
बस डच बन गया। तो इसीलिए इस देश का नाम पड़ा, इस यहाँ की जाति का नाम पड़ा डच। फिर कृतिका यामिनी के बच्चे यहां से नहीं गए, उन्होंने इस देश को बसाया, यह जो है इसलिए दक्ष देश कहा गया। अच्छा, एक और श्रीमद् भागवत बड़ी अच्छी कथा है, यूरोप के किसने बसाया? यूरोप कहते हैं पहले लोग गुफाओं में रहते थे, राजा केतुमाल ने यूरोप को बसाया था, ये भी श्रीमद् भागवत में लिखा है, कभी भागवत की कथा होगी तो बताएंगे। इसलिए दूसरे मंदिर का नाम है केतुमालेश्वर धाम। राजा केतुमाल ने, राजा भरत ने भारत को बसाया और राजा केतुमाल ने यूरोप को बसाया। अब सारा इतिहास लिखने की बात है और लोगों को बताने की बात है, और सबसे बड़ी बात है लोग पढ़े और कथाओं में सही बातें बताएं, सही बातें बताएं। तो राजा दक्ष यहां शंकर भगवान की पूजा किए, तो राम जी जब पूजा किए तो क्या कहा गया? रामेश्वर। कौन गया रामेश्वरम? विद्या जी गए रामेश्वरम। और राजा दक्ष ने पूजा किया तो इसलिए ये दक्षेश्वर कहे गए। तो दक्ष की हालत कैसी हुई जब वीरभद्र ने मारा? तो भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख सब जानते, इसलिए मैं थोड़े में बताता हूं दक्ष की कहानी। ठीक, तो सती ने मरते समय क्या किया? सती ने हाथ जोड़ लिया और भगवान राम से प्रार्थना की, कहा भगवान मुझसे अपराध हुआ और आज मुझे जलना पड़ा। सती कितनी बार जलती है? सती एक बार जली कि भगवान ने त्याग दिया। ठीक, फिर जलती हैं वो अग्नि में। तो अगर कथा सुन ली होती तो न जलना पड़ता ना, तो सबसे बच जाती, सबसे बच जाती, जलती है। सती मरत हरि सन से प्रार्थना किया तो कहां पैदा हुई? हिमालय के घर। और हिमालय के घर उनकी मां का नाम क्या हुआ? मैना। ठीक, और जब सती थी तो उनके बाप का क्या चाल थी? मैं। तो भगवान से जब प्रार्थना किया, कहा चलो अब मैं से तुम्हारी जान छुड़ा के मैना, मैना मतलब मैं नहीं, अब अहंकार नहीं, मैना। पहले उनके बाप क्या करते थे? बकरी का सिर लगा तो मैं, अहंकार था। तो भगवान राम से जब प्रार्थना की, कहा कि अच्छा सती अब तुम्हारी, तुमको हम बचाते हैं, अब तुम घर पैदा होगी किसके घर? मैना, जो कहती है मैं नहीं। तो जन्मी पार्वती तन पाई, और जब आई तो क्या हुआ? जब ते उमा सैल गृह जाई सकल सी
पार्वती जन्मी तो पहाड़ पर जो है हिमालय पर्वत पर सब तरह की सिद्धियां आ गई। और साधु संत सोचे कि चलो अब तो पार्वती वहीं पैदा हो गई है, वहीं रहना है। क्यों? पार्वती कौन है? पार्वती कौन है? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा है और भगवान कौन है? शंकर भगवान विश्वास है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा संतस्तमीश्वरम्। बिना भवानी और शंकर के, बिना श्रद्धा और विश्वास के भगवान का दर्शन नहीं हो सकता है। तो साधुओं ने सोचा तो चलिए अब श्रद्धा का जन्म हो गया हिमालय के यहां, अब वहां हम चलते हैं और श्रद्धा से ही भगवान मिलेंगे। तो क्या किया मुनियों ने? जह तह मुनि न सुवाश्रम कीने उचित वास ही भूधर दीने, श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। सभी ऋषि लोग आ गए और वहां पर आश्रम बना बना के हिमालय पर रहने लगे। और हिमालय ने क्या किया? सबको जगह दिया रहने का। अच्छा आप भी रहिए, आप भी रहिए, आप भी रहिए। अच्छा दूसरा रूप क्या है पार्वती का? सोह सैल गिरी जागिरी आए हिमालय को लगा कि मेरे यहाँ भक्ति आ गई। सोह सैल गिरिजा गृह आए जिमिजन राम भगति के पाए, ऐसा लगा कि बस राम जी की भक्ति मिल गई। और जिसको राम जी की भक्ति मिल जाती है वो बहुत सुशोभित होता है, बहुत अच्छा हो जाता है। और राम जी की भक्ति कितने तरह की है? नौ तरह की भक्ति है रामचरितमानस में। अच्छा आप लोग कहेगी कभी ऐसे कहते कभी वैसे कहते हैं। भक्ति कुल नौ तरह की है, भक्ति कुल 84 तरह की है। जो योग वशिष्ठ नारद भक्ति सूत्र है उसमें कुल 84 तरह की भक्ति है, ठीक है। और रामचरितमानस में भी वो 84 तरह की भक्ति लिखी है। और उसके बाद भगवान ने सबरी को नवधा भक्ति बताई। अच्छा तो ये क्या है? पार्वती जी भक्ति है तो नवधा है। पार्वती जी के रूप कितने हैं? दुर्गा माँ के कितने रूप हैं? कौन कौन से रूप हैं? प्रथमम शैल पुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति अष्टम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रि च नवम सिद्धिदात्री। ये नौ तरह, तो नौ तरह की जो दुर्गा है वो पार्वती बन गई, नौ तरह की जो भक्ति हो पार्वती बन गई और हिमालय के यहां प्रकट हुई। अच्छा नारद जी ने सोचा कि चलते हैं। भाई देखिए बार बार मैं कहता हूं, फिर से मैं कहता कि हमारे हिंदू धर्म में नारी जाति का बहुत सम्मान है। जैसे ही नारद जी ने सुना कि कन्या पैदा हुई है तो चल दिए, कहा चलते हैं जरा दर्शन कराते हैं। नारद समाचार सब पाए
सुना कि हिमालय के यहाँ कन्या पैदा के चलते दर्शन कराते कन्या का और चल दिए, और जब गए तो हिमालय ने क्या किया, सैल राज बात क्या किया, मैना को बुलाया हिमालय राज ने, कहा चलो मुनिराज आए हैं इनका पैर धोते, तो पद पखारी बर आसन दीना और नारी सहित मुनि पद सिर नावा, प्रणाम किया पैर धोने के बाद, और जो पैर का धोने के बाद जो जल बचा तो चरण सलिल सब भवन सिंचावा, सब घर में छिड़का कि मेरा घर पवित्र। किसी दिन मैं कह रहा था, शायद लाइव बंद हो गया तुम्हारा, तो कि जब साधु संत का पैर धोते हैं तो तुरंत जो है वो जल ले जाके घर में छिड़कते हैं। अच्छा, जब छिड़क लिया तो बेटी को बुलाए, तनिज सौभाग्य बहुत गिरी बरना का बखान किया और क्या कहा होगा, सोचिए आप लोग कि महाराज मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि मेरे पास बच्चे नहीं थे, मेरे यहां एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया, मेरा भाग्य बहुत अच्छा है कि आज कन्या ने जन्म लिया हमारे घर। और उस कन्या को देखिए, आप तो कब, आपको तो टाइम मिलता नहीं, आप तो कीर्तन करते रहते हो, और उस कन्या ने जन्म लिया और मेरा भाग्य डबल हो गया, दोबारा भाग्य खुल गया कि आप भी उसी बहाने हमारे घर आ गए। तो पार्वती को बुलाया, कहा बेटी आओ, कहा संत आए हैं जरा पैर छुओ, सुता बोली मेरी मुनि चरणा, प्रणाम कराए। अच्छा, साधु संत आए तो क्या करना चाहिए घर में, अपने तो खुद प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद बच्चों से प्रणाम करवाना चाहिए, बच्चों को एकदम झुकाना सिखाना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, मैं देखता हूं कभी कभी माँ बाप बैठे रहेंगे, बच्चे बुलाएंगे, ए पैर छुओ पंडित जी का पैर, नहीं ऐसे नहीं, खुद छुए बच्चे अपने आप छुएंगे। तो पहले प्रणाम किया, पूजा किया, फिर बच्चों को बुलाया, बेटी को, तो सुता बोली मेली मुनि चरणा। अच्छा, अब क्या कहा उन्होंने, कहा महाराज आप त्रिकालज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार सिया, भजो राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम। महाराज आप सब कुछ जानते हैं, त्रिकालज्ञ मतलब जो बीत गया उसको, जो हो रहा है उसको, जो आने वाला है उसको, आप सब जानते हैं, जरा मेरी बेटी का गुण और दोष बताइए, जरा इसका हाथ देखिए। कह मुनि बिहसे को मृदु पानी सदा तुम्हारी सकल गुण थारी, श्री राम जय राम, जय राम जय राम। महाराज आपकी बेटी के अंदर तो सारा गुण है, नाम उमा अंबिका भवानी, इसी का नाम उमा है, अंबिका है और भवानी है। सदा अचल यही कर अहिवाता, यह कभी विधवा नहीं होती, इसका मतलब उसका पति कभी नहीं मरेगा। तब तो चिंता हो गया ना, चिंता तो हो गया, अगर विधवा नहीं होगा इसका मतलब मेरी बेटी जल्दी मर जाएगी, ये भी तो अर्थ हो सकता है ना,
तो क्या कहा, देखिए आप घबराइए मत, इसी से आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपकी इज्जत इसी से बढ़ेगी और यह संसार में पूजी जाएगी और जो इसकी पूजा करेगा उसकी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। यही सेवत कछु दुर्लभ नहीं, इसलिए पार गौरी की पूजा होती है ना, इसीलिए पूजा होती है। यही कर नाम सुमिरि संसारा सब तो ठीक है, आपके बेटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसका पति की जो रेखा है ना गड़बड़ है, कहा अवगुण है, कहा क्या, कहा इसका जो पति है वह अवगुण होगा, ठीक है, अमान होगा। देखिए इसको दो दो अर्थ है, कौन कौन सुन रहा है, मैना और हिमालय सुन रहे हैं, पार्वती जी भी सुन रहे हैं, दोनों लोग अलग अलग अर्थ लगा रहे हैं। अगुण अमान मात पितुहीना उदासीन सब संशय छीना, मैना और हिमालय ने सुना तो सोचा कि अरे राम 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 राम, इसके पति के अंदर कोई गुण ही नहीं होगा। लेकिन पार्वती ने दूसरा अर्थ किया, गुण कितने हैं, सत रज और तम, तीन गुण है। पार्वती ने सोचा वाह मेरा जिससे विवाह होगा इन तीनों से ऊपर होगा, मां साक्षात भगवान होगा, ठीक है, भगवान ही तीनों के ऊपर है। और मैना और हिमालय ने सुना तो कहा अरे राम राम राम, मेरी होने वाले दामाद के पास कोई गुण ही नहीं होगा। अमान, अमान मतलब उसका कहीं सम्मान नहीं होगा, ठीक है, सम्मान नहीं होगा मतलब अपमान होगा। ये मैना और हिमालय अर्थ लगाए, पार्वती ने सोचा वाह मेरा जिससे विवाह होगा उसके मान सम्मान की चिंता नहीं, उस सबके ऊपर होगा। अब दोनों लोग अर्थ कर रहे हैं अपना, हम लोग अपने ढंग से अर्थ करते हैं ना सब चीज का, जैसा हम सुनते हैं हर समय वैसा नहीं होता, हम अपने मन से अर्थ लगा लेते हैं। अब दोनों लोग अलग अलग अर्थ लगा रहे हैं, मातु पितुहीना, अब माता पिता क्या सोच रहे हैं, मैना और हिमालय, अरे राम राम राम, मेरी बेटी के तो जो है सास और ससुर नहीं हो गए, मतलब वो जो दामाद होगा वो अकेला होगा, सास ससुर तो होगे नहीं, तो मेरी बेटी सेवा किसकी करेगी। और पार्वती ने अर्थ लगाया कि वाह मेरा जिससे विवाह होगा वह अजन्मा होगा, अमर होगा, वो संसार बनाने वाला होगा, उसके माता पिता कैसे, हाँ उदासीन सब संशय छीना, वह उदासीन होगा, संसार को पर कोई ध्यान नहीं देगा। और पार्वती ने अर्थ लगाया कि माया छोड़ देगा, माया की कोई लालच नहीं होगी, ठीक, संशय छीना, कोई संशय नहीं, जोगी होगा, जोगी जटिल अकाम मन नगन मंगल वे अस स्वामी यह कहमी परिहस्त सिने हसिया भजु राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। कहा जोगी होगा। अब सोचिए कोई ये सुने कि उसका होने वाला दामाद जोगी होगा और बिटिया का कोई ख्याल ही नहीं करे तो खुश होगा कि रोएगा, रोएगा ना, वो लोग रोने लगे और पार्वती जी खुश हो गए, वाह महाराज एकदम जोगी होंगे जिससे मेरी शादी विवाह होगा, जटिल होगा। उन्होंने सोचा कि जटिल मतलब, जटिल का मतलब है बहुत कठोर होगा, उसको कोई समझ नहीं पाएगा, ये माता पिता अर्थ लगाए। और पार्वती ने अर्थ लगाया कि उसकी लंबी लंबी जटाएं होगी तो शंकर भगवान को है।
अकाम होगा, माता पिता ने अर्थ लगाया कि उसकी कोई इच्छा ही नहीं होगी, और पार्वती ने अर्थ लगाया कि गुरुदेव बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, मतलब अकाम नहीं होगा, अकाम होगा, बात सही है। अकाम कौन होता है? जहां राम तह काम नहीं, मतलब राम जी का भक्त होंगे। देखिए पति और पत्नी ये बहुत सच्चाई है, ठीक है, धन हो, रुपया हो, पैसा हो, उनके पास बहुत पढ़े लिखे हो, अगर भगवान की भक्ति नहीं है तो जीवन बेकार हो जाएगा, निश्चित है जीवन बेकार होगा। और धन न हो, रुपया न हो, पैसा न हो, गरीब हो, लेकिन भगवान का भगत हो तो जिंदगी बीत जाएगी, और बहुत आराम से बीत जाएगी। तो पार्वती ने सोचा चलो धनी नहीं होगा, पैसा वाला नहीं होगा, लेकिन राम जी का भगत तो होगा, और जो राम जी का भगत होगा उसके कोई कुछ चाहिए नहीं। अकाम मन नगन अमंगल वेश, ऐसा उन लोगों ने अर्थ लगाया कि उसका भेष बहुत भयानक होगा। पार्वती जी ने अर्थ लगाया जितना अमंगल है संसार का उनको देखते ही खत्म हो जाएगा, शंकर भगवान का दर्शन करने से। अच्छा बनारस काशी में क्या नियम है? शंकर भगवान को भभूत लगाई जाती है। हाँ, शंकर भगवान क्या है, कैसा भभूत लगाते हैं? जब मुर्दा जल जाता है तो उसको लगा देते हैं, और मुर्दे की राख कोई छू लेता है तो क्या होता है, नहाना पड़ता है ना, यही नियम है। मुर्दे की राख अगर छू लीजिए तो नहाना पड़ता है, लेकिन वही मुर्दे की राख जब शंकर भगवान लगा लेते हैं और भगत लोग जाते हैं उनके पैर में से ऐसे लेके माथे लगाते हैं, तब तो पवित्र हो गया ना, तब कहते हैं अब शंकर भगवान छू लिए तो बहुत पवित्र है, तो उसको लेके माथे लगाते हैं। वैसे मुर्दे की राख कोई माथे पर लगाएगा? भागेंगे सब। तो शंकर भगवान कैसे है, जो अशुद्ध वस्तु थी, अमंगल वस्तु थी, उसको भी पवित्र कर देते। तो पार्वती ने अर्थ लिया कि वाह, मेरा जिससे विवाह होगा वो अशुद्ध वस्तु छू देंगे तो शुद्ध हो जाएगी, अमंगल किसी का होता होगा उनका दर्शन कर लेगा तो उनका मंगल हो जाएगा। तो क्या हुआ, अब नीचे की चौपाई में दोनों लोग अलग अलग अर्थ किए, तो क्या हुआ? सुनी मुनि गिरा सत्य जय जानी, दंपति पत्नी तो रोने लगे जब सुने कि ऐसा दामाद मिलेगा, और उमा मतलब पार्वती, उमा हर्षानी, वो खुश हो गई वाह। और जब वो, अब भाई अब कोई किसी लड़की के सामने उसके पति का बखान करिए और वो जोर से हंसने लगे तो लोग खराब मानते हैं ना, कहते हैं सम्मान वाली बात नहीं है। तो हर्षित हो करके क्या हुआ, नारद हो यह भेद न जाना, दसाए कसम जब बिल गाना श्री राम। सकल सखी गिरी जा गिरी मैना, तो दोनों लोग रोने लगे और मैना ने कहा, हाथ जोड़ लिया अपने पति के सामने, कहा महाराज यह जो कह के गए हैं नारद जी, अगर लड़का ठीक हो तब तो ब्याह होगा, जरा कुल का पता कर लीजिए, अगर नहीं हो तो बात ये है कि ब्याह ही न हो, हमारी बिटिया कुंवारी रहे, हम अपने घर रखेंगे। हाँ, जो मंगल भेष नगन भेष धारण करे उसे कौन अपनी बिटिया देगा।
उर धरी धीर कहई तो दिखा लेते हैं, कुंडली दिखा लेते हैं, अगर कुछ गड़बड़ निकला तो लोग पूछते हैं ना कि अच्छा महाराज पंडित जी बताइए उपाय क्या है। तो मैना ने पूछ दिया कि महाराज नारद जी जरा उपाय तो बताइए कि यह दोष कट जाए। शंकर भगवान ने कहा देखो देखो बस एक ही उपाय है। कहा क्या? कहा जितना मैं दोष बताए हूं सब शंकर भगवान के पास है, इसका ब्याह बस शंकर भगवान से कर दो। जे जे बर के दो सब खाने ते सब शिव मैना ने फिर कहा महाराज ये तो बताइए आपने इतना दोष बताया इसके होने वाले पति के तो मैं कैसे विवाह कर दूं इसका उससे। कहा नारद जी ने कहा पहले सुनिए। कहा क्या? कहा सांप पर कोई सोता है नहीं ना? सांप पर कोई सोता है नहीं, लेकिन विष्णु भगवान सोते हैं कोई उनको बुरा भला कहता है? तो पहला उदाहरण है जो अहि सेज शयन हरि करही बुध कछु तिनकर दोष न धरही। कहा हमारे विष्णु भगवान नाग पर सोते हैं, सांप पर सोते हैं, वासुकी पर सोते हैं, कोई उनको दोष देता है? कहा नहीं। कहा अच्छा जो सूरज है, सूरज जब निकलता है तो उसकी रोशनी फूल पर पड़ती है लेकिन गंदगी पर भी पड़ती है ना? ठीक। अच्छा तो कोई कहता है कि सूरज गंदा हो गया? नहीं ना। अच्छा अग्नि में लोग हवन करते हैं और अग्नि में लोग गंदी वस्तु डाल के जला भी देते हैं तो क्या? कहा अग्नि अशुद्ध होती है? नहीं ना। कहा बस मैना बस ऐसे समझो जैसे शुद्ध और वशुद्ध अशुद्ध वस्तु जलाने से अग्नि अशुद्ध नहीं अपवित्र नहीं होती, जैसे सूरज भगवान की रोशनी सब जगह पड़ती है शुद्ध वस्तु पर और अशुद्ध चीज पर, सूरज भगवान अपवित्र नहीं होते। विष्णु भगवान सांप पर सोते हैं उनको कोई दोष नहीं लगता, वैसे ही शंकर भगवान से विवाह करने से कोई दोष नहीं। शुभ यरु अशुभ सलिल सब बहई सुर सरि को भूमि तन कहई श्री राम जय राम जय राम। और एक उदाहरण क्या, गंगा जी बहती है ना, गंगा जी में क्या सब साफ पानी ही बहता है? नहीं, कहीं कहीं जाइए तो गंगा जी में गंदे नाले का पानी रियोलेरिंग का पानी गंगा जी में लगा है, लेकिन गंगा कभी अशुद्ध हुई? कहा कभी नहीं। कहा वैसे शंकर भगवान है, वो चाहे भभूत लगाती है चाहे सांप लपेटे है लेकिन वो कभी अशुद्ध नहीं होते है। शंभु सहज समरथ भगवाना जी ने कहा देखो यही विवाह सबसे बढ़िया लगता है कि अपनी बेटी का विवाह शंकर भगवान से कर दो। अच्छा कहा अब मिलेंगे कैसे शंकर भगवान? कहा जब तक करे कुमारी तुम्हारी, कहा जब तुम्हारी बिटिया तपस्या करेगी तो विवाह हो जाएगा। हाँ? और कहा आप हजार मैना ने कहा देखो देखो मैं तो उसे विवाह नहीं करूंगी अपनी बिटिया का। भाई कौन तैयार होगा? कोई नहीं तैयार होगा ना। कहा मैं उनसे ऐसा दबाव मुझे नहीं चाहिए। कहा देखो बात मानो यद्यपि बर अनेक जग माही, बहुत सुंदर सुंदर दुल्हा है हाँ खोज सकती हो, लेकिन मैं सत्य कहता हूं यही कह शिवतज दूसर नहीं।
इसके लिए शंकर भगवान के अलावा कोई है ही नहीं। यही कह शिवतजी दूसर, तुम्हारी बिटिया का ब्याह जब होगा तो शंकर भगवान से होगा। खोज लिए, खोज लीजिए। अब मैना चुप, हिमालय राज भी चुप, ब्रह्मा जी चले गए। अरे ब्रह्मा जी के पास चले गए नारद जी। हाँ, और जब अकेले हुए मैना तो पति से कहा, कहा देखिए नारद जी ने इतना कहा, मेरे समझ में कुछ नहीं आया, जबकि सब समझ रही थी। तो सोचती है कि भाई पति क्या कहते, जरा जान लूं इनका क्या विचार है। कहा नारद जी जो कहे मेरे कुछ समझ में नहीं, नाथ न मैं समझे मुनि बैना, मेरे समझ में कुछ नहीं आया। हाँ, कहा अगर पता कर लीजिए, अगर दुल्हा लड़का ठीक हो, जौ घर बर कुल होई अनुपा, करी है विवाह सुता अनुरूपा। कहा घर द्वार अगर ठीक हो, यही लोग देखते हैं क्या ज्ञान ना, घर है कि नहीं, लड़का काम करता है कि नहीं, घर जमीन मकान है कि नहीं, यही सब देखते हैं ना। तो मैना ने भी कहा कि जरा पता कर लीजिए, अगर जिससे विवाह करने के लिए कहे हैं नारद जी, तो जौ घर बर कुल होई अनुपा। शंकर भगवान का कुल कौन है, कोई माई बाप नहीं है तो कुल ही कहाँ होगा, और घर उनके पास कहाँ है, पेड़ के नीचे रहने वाले या स्मशान में रहने वाले। हाँ, कहा अगर ऐसा हो तो बिटिया का ब्याह हम कर देंगे, अगर ऐसा नहीं है तो नत कन्या बर रहे कुंवारी, मेरी बिटिया कुंवारी रह जाएगी, मैं विवाह नहीं करूंगी, मुझे प्राण से ज्यादा प्रिय है, मैं ऐसे ऐसे तैसे किसी के हाथ में नहीं सौंपूंगी अपनी बिटिया। अब वो इतना कहते कहते बेचारी रो पड़ी, और पति का पैर पकड़ कह अस कह परी चरण धर सीसा बोले सहित सने, पति का पैर पकड़ लिया। तो पति क्या कहे, बरु पावक प्रकट यस सिमाहि नारद वचन अन्यथा एक बात बताओ तो। कहा क्या, कहा चंद्रमा से आगे निकलता है, कहा नहीं, कहा एक बात कहूं, चंद्रमा से आगे निकल सकता है, ये अगर तुम कहो तो मैं विश्वास कर लूंगा, नारद जी जो कहे है वो बात झूठी हो जाए मैं नहीं मान सकता, ये निश्चित हो सकता है कि चंद्रमा से आगे निकले, जबकि चंद्रमा से आगे कभी नहीं निकलता, लेकिन हो सकता है कि चंद्रमा से आगे निकल जाए, ये मैं विश्वास कर सकता हूं कि नारद जी की बात झूठी होगी, ये मैं विश्वास नहीं कर सकता, नारद वचन अन्यथा नाही। तो कहा तब क्या करें, तो कहा एक काम करो। कहा क्या, प्रिया सोच परिहरहु सब सुमिरहु श्री भगवान पार्वती निर्मय जही सोई करी हरि कथा। कहा एक काम करिए, कहा क्या, कहा भगवान से प्रार्थना, जब कोई उपाय नहीं तो क्या करते लोग, हारे के हरिनाम, अब कोई उपाय नहीं, कहा क्या करो, कहा भगवान से प्रार्थना करो, जिसने पार्वती को बनाया वही उसके कल्याण करेंगे। अब जब तुम ही सोता पर तुम्हें बेटी से बहुत प्यार है, मैंने कहा जरूर प्यार है, कहा तो एक काम करो, कहा क्या, कहा उसको तपस्या सिखाओ। कैसी तपस्या सिखाओ, सिखाओ कि बिना सास ससुर के जी सके, सिखाओ कि पति पेड़ के नीचे रहे तो रह सके, सिखाओ पति अगुण है अमान है तब भी उसके साथ, उसको तपस्या सिखाओ। बच्चों को क्या करना चाहिए, तपस्या सिखानी चाहिए, और हम क्या सिखा देते हैं, कभी कभी सुख सिखाते हैं। वो बिल्ली थी ना, अपने बच्चे को तपस्या सिखा रही थी, मैं बैठ के देख रहा था, वो बच्चा वो चढ़ता था,
चढ़ता था ऊपर, और जब ऊपर चढ़ जाता तो बिल्ली जाके गिरा देती थी, फिर चढ़ो, फिर चढ़ो, फिर गिरा दे, फिर चढ़। और हम गिराएंगे अपने बच्चे को? नहीं ना, हम ऐसा नहीं करते। लेकिन जानवर अपने बच्चे को पूरी तरह से कष्ट सहना सिखाते हैं, और बच्चों को कभी भी सुख सहना, सुख लेना नहीं सिखाना चाहिए, कष्ट सहना सिखा। और कष्ट सहने लगेंगे तो सुखी हो जाएंगे। अरे जानवर भी करते हैं, केवल मनुष्य नहीं करता। अच्छा, मुर्गी तुम देखे, बच्चे होते हैं ना, जब बच्चे निकलते हैं उसके पंखा हो गया तो मुर्गी क्या करती है, जब तक पंखे नहीं निकले हैं तब तक वो अपने पंखे के बीच में बैठा के बैठती है, और जहां पंखा हुआ तो पंखा अपना सिकोड़ लेती है, जाओ उड़ो। और हम आप जब तक जीते हैं तब बच्चे के तब तक, हमसे समझदार तो मुर्गी है, है कि नहीं है? हम बच्चे को उड़ना नहीं सिखाते, हम बच्चे को बचाते रहते हैं, बचाते रहते। तो अगर किसी को प्रेम करते हैं ना तो उसे तपस्या सिखाइए बच्चों। तो यही कहा, जो अब जो तुम्हें सुता पर नेहू, अगर तुम अपनी बेटी को प्रेम करती हो तो उसे सुख सहना मत सिखाओ। उसको क्या सिखाओ? करई सो तप जय मिले महेशु, तपस्या सिखाओ उसे। करई सो तप जय मिले महेशु आन उपाय मिटहि करे सो श्री राम। ऐसी बात सुना कि अब बिटिया को तपस्या सिखाना है, तो मैना के मन में हिम्मत हो गई और गई, बेटी को गोद में बैठा लिया और बेटी से बात करने लगी पार्वती से, और कहा कि पार्वती ने कहा कि माँ मैंने सपना देखा था रात को, तुमसे नहीं बताई। कहा कहा देखा था बिटिया? कहा एक ब्राह्मण देवता आए थे और मुझसे कहे कि जाओ तपस्या करो। हाँ, पार्वती ने एकदम तो कहा हाँ। अब इसका मतलब, अच्छा देखिए, मंत्र जब जपते हैं ना, या भगवान कृपा करना चाहते हैं, गुरु की बात ही, पार्वती को स्वप्न में ही गुरु मंत्र मिल गया। और ऐसा हमारे आपके जीवन में भी होता है, हम थोड़ा सा ध्यान नहीं देते, सोते 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 सपने में गुरु आके कान में मंत्र कह जाते हैं, और आप उठ के बैठेंगे तो वही मंत्र आपके मुंह से निकल रहा है, इसका मतलब गुरु दीक्षा हो गई। स्वप्न में भी गुरु मंत्र होता है। लेकिन कोई कोई लोग इस बात को नाटक बना लेते हैं, हाँ मुझे मिल चुका है सपने में, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन स्वप्न में ही गुरु मंत्र मिल गया पार्वती को। हाँ? तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगदाता, श्री ही ब्रह्मा जी संसार को बनाते हैं, तब से ही विष्णु जी पालन करते हैं, तब से ही शंकर भगवान संहार करते हैं, तब से ही शेषनाग इस धरती को अपने सिर पर रखते हैं। आज मैं माला चढ़ा रहा था शेषनाग के सिर पर रखा, तो शायद विद्या जी करे रे शेषनाग को बड़ा वजन हो जाएगा, तब मेरे मन में आया पूरा धरती महाराज अपने सिर पर रखे हैं तो मेरे माला से कैसे वजन हो जाए। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधर महिहारा, श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। तो माता को समझा, कौन समझाया? पार्वती जी ने खुद समझाया कि तब से ही संसार बनता है, तब से ही संसार का पालन होता है, तब से ही संहार होता है, तब से ही शेषनाग ने इस धरती को अपने सिर पर रखा है। माताजी मैं भी तप अब करने जाऊंगी, अब मैं तप करूंगी। उर धरी उमा प्राणपति चरणा जा
की थी पार्वती जी? 9 वर्ष की थी, कुछ लोग कहते हैं 7 वर्ष की थी तब तपस्या करने गई। 9 वर्ष के बच्चे अभी हम स्कूल भेजते हैं धीरे धीरे, और वो तपस्या करने चली गई। अति सुकुमार न तप करती हैं। अब 9 या 7 वर्ष कोई कुछ भी मान लीजिए, अभी तप के लिए शरीर नहीं है। अति सुकुमार अनतन तप जोग, वो क्या तपस्या करती हैं? संबत सहस मूल फल खाए, 1000 वर्ष तक जो जमीन से निकलता था उसको खा के रही। भाई आलू खाती होगी, सूता अर्धापन खाती होगी, यही ना कसाफ खाती होगी 1000 वर्ष तक। और हम आप तो एक दिन में चक्कर आने लगते हैं, और साग खाई 7 वर्ष गवाए, 100 वर्ष तक साग जो पत्ते है ना, पत्ते निकाल लेती होंगी, उबाल लेती होंगी, खा लेती होंगी, 100 वर्ष तक। कछु दिन भोजन पारी बतासा दिन क्या किया? बारी बतासा, बारी मतलब पानी, बतासा मतलब हवा। कुछ दिन तक क्या किया? पानी पी लेती थी और हवा ले लेती थी, बस कुछ दिन ऐसे बिताया। और कुछ दिन वो भी छोड़ दिया, अब वो भी नहीं खाएगी। अब सोचिए 3000 वर्ष तक हमारी आपकी जिंदगी नहीं उतना तपस्या करने की। बेल का पत्ता जब गिर जाता था तोड़ती नहीं थी, पत्ता भी तोड़ना पाप है। अब कहेंगे फूल कैसे चढ़ाएंगे भगवान को, हम लोग पत्ते से जाते हैं तो पाप हो गया ना। देखिए जिस चीज को तोड़िए, इसलिए बार बार कहता हूं जो भी तोड़िए तो भगवान को चढ़ाइए। अगर आप तोड़ के फेंकते हैं तो पाप, अगर तोड़ने के बाद भगवान को चढ़ा देते हैं तो पुण्य है। इसलिए जितना फूल और पत्ता तोड़िए सब चढ़ाइए भगवान को, कुछ मत ऐसे छोड़िए। तो उन्होंने सोचा कि बेल का पत्ता तोड़ूंगी तो पाप, तो क्या किया? बैठ के इंतजार करती थी, पत्ता गिरा अब फिर इंतजार, अभी तो जिंदा है, अभी सूखा नहीं ना। जब सूख जाता था तो पत्ता उठा के खाती थी। कितना बरस? 3000 वर्ष। बेल पाती मही पर सुखाई तीन सहस संबत सोई खाए श्री राम तो पाती, पाती का संस्कृत नाम क्या है? पर्ण। तो पर्ण जब गिरा और सूख गया तो उसको खा के तपस्या किया, इसलिए उनका नाम पड़ गया अपर्णा। तो पार्वती जी का एक नाम है अपर्णा, जो सूखे हुए पत्ते खा करके तपस्या की। पुण्य परिहरे सुखाने की
कितनी तपस्या की, 3000 बरस तक पत्ते खा करके जी, और शरीर उनका एकदम कमजोर हो गया, लेकिन शरीर से तेज निकलता था। तब भगवान ने देखा इसने बहुत तपस्या की, तो क्या किया, ब्रह्मवाणी आकाशवाणी हुई, भयो मनोरथ सुफल तव सुन गिरि राजकुमार, परिहरि दुसह कलेश सब अब मिलि है त्रिपुरारि सिया, भजुराम जय जय राम, जय जय राम। बोलिए पार्वती माता की, आकाशवाणी हुई कि पार्वती तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, अब तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई, अब तुम्हें शंकर भगवान मिलेंगे। और कहा कैसे मिले, कहा आज तक कोई साधु संत कोई तपस्वी नहीं पैदा हुआ जो तुम्हारी तरह तपस्या करे, अब मेरी बात पर विश्वास रखो भगवान मिलेंगे। पार्वती ने पूछा कैसे जानूं, कहा जब पिताजी खबर भेजे हट मत करना, सीधे घर चली जाना। कहा पिताजी तो खबर भेजेंगे, पिताजी तो बार बार खबर भेजते हैं, बिटिया बहुत हो गया तपस्या, आप घर आ जाओ, तुम्हारे बिना घर सूना लगता है, जल्दी आ जाओ। कहा एक परीक्षा है, जब सप्तऋषि आ जाए तुमसे मिलने तब समझना कि मेरी बात सही है। तो सप्तऋषि आएंगे आगे परीक्षा लेंगे, और हमारे राम जी जाएंगे शंकर भगवान को मनाने कि भैया ब्याह तो कर लो। तो अगले शुक्रवार को कैसे राम जी मनाते हैं शंकर भगवान को, शंकर भगवान कहे देखे 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 मैं विवाह नहीं करूंगा। कहा क्यों नहीं करेंगे महाराज, कहा एक बार किया था, आपका भी अपमान हुआ मेरा भी अपमान हुआ, और फिर से आप ब्याह में फंसाना चाहते हैं। तो भगवान ने क्या किया, भगवान राम ने हाथ जोड़ के भीख मांगी, कहा मुझे भीख दीजिए शंकर भगवान। कहा क्या भीख चाहिए आपको महाराज, कहा बस आप अपना ब्याह कर लीजिए, बस यही भीख चाहिए। तो राम जी शंकर भगवान का विवाह कराते हैं, पार्वती जी से भेंट कराते हैं। अगले शुक्रवार को हम आपको फिर से कथा सुनाएंगे, ठीक। हरे राम हरे राम।